मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा और किसकी बनेगी सरकार, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन वोटिंग शुरू होने से पहले अलग अलग मीडिया कंपनियों द्वारा ओपिनियन पोल सामने रखे जा रहे हैं। अब एक और नया सर्वे सामने आया है, इंडिया टीवी CNX फाइनल के ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 107 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इससे पहले 7 ओपिनियन पोल आ चुके हैं, जिसमें से 6 ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए दिखाया है और लेटेस्ट में जो टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल सामने आया था उसमें भी कांग्रेस को बढ़त लेते दिखाया था। लेकिन कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में पहली बार बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलते दिखाया गया था। लेकिन अब इंडिया टीवी CNX फाइनल के ओपिनियन पोल ने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना ही जता दी है। यह पहला ऐसा सर्वे या ओपिनियन पोल है जिसमें बीजेपी को मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे ने निश्चित रूप से कांग्रेस और कमलनाथ की कुछ टेंशन बढ़ा दी है और वहीं कई परेशानियों से मध्य प्रदेश में जूझ रही बीजेपी को कुछ राहत देने की कोशिश की है। लेकिन असल परिणाम तो 3 दिसंबर को ही सामने आएंगे। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बघेलखंड और बुंदेलखंड में कुल 51 सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि 51 सीटों में से बीजेपी के खाते में 29 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आ सकती हैं, अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है। ओपिनियन पोल बता रहा है कि निमाड़ क्षेत्र में कुल 28 सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं 15 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है। मालवा क्षेत्र में विधानसभा की 46 सीटें आती हैं। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक मालवा क्षेत्र में बीजेपी को 46 में से 28 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 18 सीटें आ सकती हैं। कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में यह ओपिनियन पोल कांग्रेस को बढ़त बनाते हुए दिखा रहा है। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक 47 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है, वहीं बीजेपी के खाते में 19 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में कांग्रेस को 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को कुल 15 सीटें मिल सकती हैं। इस हिसाब से यह सर्वे भी ग्वालियर चंबल में बीजेपी को कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर करते हुए दिखा रहा है। भोपाल डिवीजन या यूं कहें मध्य भारत रीजन में विधानसभा की 24 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक 24 से बीजेपी को 16 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है।